नीट। अगर भारत देश में आपको डॉक्टर बनना है तो ये एकमात्र ऐसी एग्जाम है जिससे आप MBBS, BAMS, BHMS, BDS या आयुष जैसे कोर्सेज भी कर सकते हैं। दिस इज द लार्जेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन द वर्ल्ड विच हैपन्स इन अ सिंगल शिफ्ट। इसी साल 4,750 सेंटर में कुल मिला के 24 लाख कैंडिडेट्स ने नीट की एग्जाम दी। ट्रूली द स्केल ऑफ दिस एग्जाम इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। इतने लार्ज स्केल पे ये एग्जाम होती है तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो हो सकती है, नो डाउट। लेकिन अगर ये प्रॉब्लम्स कोई और एग्जाम में होती है तो शायद एक बार समझ सकते थे, लेकिन ये उस एग्जाम के साथ हो रहा है जिस एग्जाम को देके ये बच्चे डॉक्टर बनेंगे। यही डॉक्टर समाज के स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं और हमारे सबसे क्रिटिकल टाइम में यही डॉक्टर्स हमारी लाइफ भी बचाते हैं। इसीलिए नीट की एग्जाम का 100% ट्रांसपेरेंट रहना और इसकी सैंटिटी को बनाए रखना बहुत जरूरी है। पर इस साल नीट द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल एग्जाम कहलाई है, जिसपे हर गली नुक्कड़ से लेके सुप्रीम कोर्ट हो या पार्लियामेंट, हर जगह बात फैली है। आप समझ ही सकते हैं कि जब 2022 और 23 में एक एक दो दो ऑल इंडिया रैंक वन आ रहे हैं, 720 आउट ऑफ 720 एक एक दो दो ही बच्चे आ रहे हैं, तो अचानक से 2024 में 67 ऑल इंडिया रैंक वन, 720 में से 720 बच्चे, हाउ इज दैट पॉसिबल? इतना तो पेपर का लेवल इजी नहीं हुआ था जहां तक सारे टीचर्स का मानना है। और उसके अलावा आप देखोगे भी तो NTA का यही कहना था कि पेपर का लेवल इजी था, सिलेबस भी रिड्यूस था, इसी वजह से आज हमारा एवरेज स्कोर जो है वो हाईएस्ट है अभी तक के नीट के एग्जाम के कंपेयर में, और उसी वजह से इतने सारे ऑल इंडिया रैंक को निकल गया है। लेकिन जब आप इतने सारे बच्चों की इतनी हाई कंपटीशन करा रहे हो तब ऐसे जस्टिफिकेशन से काम नहीं चल सकता। इसीलिए दिस इज हाई टाइम कि हम वो प्रॉब्लम्स के बारे में भी समझे जो बहुत कम डिस्कस हुई है इस पूरे नीट रीनीट वाले मुद्दे पे। आज हम ऐसे कुछ पॉइंटर्स के बारे में बात करेंगे जिसे हर एक बच्चे को, हर एक पेरेंट को समझना जरूरी है, और इसी के हिसाब से हम उसके सॉल्यूशंस पे भी डिस्कशन करें ताकि ये मैसेज सही जगह पे पहुंचे, गवर्नमेंट तक पहुंचे, NTA तक पहुंचे, और वो इस चीज का एक सही सॉल्यूशन निकाले ताकि हर वो बच्चा जो दो दो तीन तीन चार चार साल तक एक एग्जाम निकालने के लिए मेहनत करता है, वो अपनी जवानी के सबसे बेस्ट ईयर्स इस एग्जाम को देता है, उसके साथ हमेशा जस्टिस हो। सबसे पहली और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो यहां पे मुझे लगती है कि बहुत कम नंबर ऑफ MBBS सीट्स होना, क्योंकि 24 लाख बच्चे ये नीट की एग्जाम देते हैं, उसमें से सिर्फ 1 लाख बच्चों के आसपास को ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकती है, तो बाकी के 23 लाख बच्चों को या तो वापस देना पड़ेगा या फिर अपनी चॉइस को बदलना पड़ेगा। इसीलिए कुछ बच्चों को ये ऑप्शंस भी कंसीडर करने चाहिए कि वो BHMS या BAMS में जाए। इसी के साथ में हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टम को इन ऑप्शंस के बारे में बच्चों को अवेयर करना पड़ेगा कि BAMS, BHMS, BDS, आयुष ये भी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं, इसमें भी एक अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। नंबर टू, बहुत सारे पेपर लीक होते हैं नीट के एग्जाम में। इसका एक रीजन ये भी है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बीच में इतना बड़ा फीस का डिफरेंस होना, आप जरा सोच के देखिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की फीस 1.5 लाख से 2 लाख एक साल की है, लेकिन वही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस 20 लाख से 25 लाख। सो बिग डिफरेंस दिस इज, राइट? इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फीस को आप अगर कंपेयर करोगे तो इतने ही खर्चे में फॉरेन में भी पूरा मेडिकल कोर्स हो जाता है, वो भी कम नीट के स्कोर के साथ भी। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसी वजह से कई सारे बच्चे इंडिया के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को छोड़ के फॉरेन में पढ़ने का सोच लेते हैं, वो किर्गिस्तान, रशिया, चाइना, ये सारी जगह पे वो पढ़ने जाते हैं। आपने रिसेंटली सुना होगा जब रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ तो यूक्रेन और रशिया में कई सारे इंडियन मेडिकल स्टूडेंट्स फंस गए थे, कई सारे बच्चे कोविड के टाइम पे चाइना में भी फंस गए थे, ये सारे बच्चे इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज छोड़ के फॉरेन में पढ़ने का डिसीजन इसीलिए लेते हैं क्योंकि यहाँ का खर्चा वहाँ के खर्चे से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है उनके लिए, और उसी के कंपेयर में वहाँ बेटर फैसिलिटी मिल पाती है, जबकि उनको वहाँ पढ़ने के लिए वापस नई लैंग्वेज भी सीखनी पड़ती है। स्टिल दे चूज दैट, वाई? हमें कहीं ना कहीं फीस रेगुलेशंस पे फोकस करना पड़ेगा। हम कोई भी फीस अलाउ नहीं कर सकते इस सोसाइटी में। आप जरा सोच के देखिए, एक साल का 20-25 लाख प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस कैसे एक नॉर्मल मिडिल क्लास बच्चा भर सकता है?
नंबर थ्री, ये प्रॉब्लम एनटीए के साथ में है क्योंकि ये बॉडी कुछ दो डजन से भी ज्यादा एग्जाम्स लेता है और सारी बड़ी बड़ी एग्जाम्स है, लेकिन उनके पास कुल मिला के एम्प्लॉयज कुछ 400-500 ही है। तो मेजॉरिटी ऑफ काम एनटीए करवाता है आउटसोर्सिंग की मदद से। अब जब इतनी सारी एग्जाम्स आउटसोर्सिंग करके करवाई जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं कि लीकेज हो जाए, क्योंकि एक ऑफलाइन का पेपर बहुत सारी जगह से होके निकलता है। पहले तो सारे एग्जामिनर उसको सेट करते हैं, 4-5 अलग अलग जगह से उसको सेट करके एनटीए को दिया जाता है। एनटीए फिर उसे कहीं ना कहीं बैंक में डिपॉजिट करता है एक रात पहले, फिर एग्जाम वाले दिन अर्ली मॉर्निंग में फिर बैंक से उस पेपर को लेके जाके एग्जाम सेंटर तक पहुंचा जाता है। मैं मानता हूं कि एनटीए यहां पे पूरी सावधानी बरत रहा होगा और यहां पे हर तरीके से सिक्योरिटी की पूरी प्रबंध होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं लीकेज होने के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। जबकि जेई की एग्जाम ऑनलाइन होती है, अब देखो इसमें कोई मेजर पेपर लीक के प्रॉब्लम नहीं होते। आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि एनटीए ने ये भी क्लेम किया है कि जेई मेंस की एग्जाम में वो वेबकैम की मदद से और एआई की मदद से मॉनिटर करते कि सामने जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वही रियल कैंडिडेट है भी कि नहीं। तो ऐसे प्रबंध हम नीट की एग्जाम में भी कर सकते हैं अगर हम नीट को ऑनलाइन एग्जाम बनाए। जैसे कि आपने देखा रिसेंटली गवर्नमेंट ने एक कमिटी फॉर्म की 7 मेंबर की, जिसे हमारे एक्स इसरो चेयरमैन लीड कर रहे हैं और उन्होंने भी शायद कंसीडरेशन में रखा है कि नीट की एग्जाम को भी ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाए। इसमें बहुत बड़े चैलेंजेस है क्योंकि जेई की एग्जाम सिर्फ 495 सेंटर तक हुई थी और नीट की एग्जाम उस स्केल पे है जहां पे हमें 4750 सेंटर्स लगते हैं। इतने सारे सेंटर पे इतने सारे कंप्यूटर्स का बंदोबस्त होना ये एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है और इसीलिए डिफिकल्ट हो जाता है नीट जैसे बड़े एग्जाम को ऑनलाइन में कंडक्ट कराना। इसी के साथ में एक और कंसीडरेशन भी हो सकता है, जैसे जेई मेंस में अलग अलग स्लॉट में एग्जाम हो रही है, नीट में भी अलग अलग स्लॉट में हो, लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा बायसनेस हो सकता है कि ये स्लॉट का पेपर इजी था, ये स्लॉट का पेपर डिफिकल्ट था, यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये कई सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस बन सकते हैं। कि आपका क्या सजेशन है, क्या ऐसे इंप्रूवमेंट्स हो सकते हैं नीट के एग्जाम के पूरे सिस्टम में, और अपने सारे फ्रेंड्स जिन्होंने भी नीट की एग्जाम दी है या नीट की एग्जाम देने वाले हैं उनके साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने पॉइंट्स यहां कमेंट बॉक्स में बता पाए।